फलस्तीन में जारी जंग को 164 दिन हो चुके हैं। अब तक भारी तबाही की खबरें हम आप तक पहुंचाते रहे। बीती रात इसराइल ने गाजा के अंदर बड़े हमले किए, अलशिफा हॉस्पिटल को निशाना बनाया। जो भी लोग वहां पर मौजूद थे रात के वक्त वहां से अपनी जान बचा करके निकले। इसराइल ने टैंक और हवाई जहाज़ों के ज़रिए हमला किया। टैंक से भारी शेलिंग की गई है, आर्टिलरी फायर्स हुए हैं और बहुत सारे लोगों के मारे जाने की खबरें हैं। एक बड़ा नरसंहार यहाँ पर किया गया है। थोड़ा सा फुटेज दिखाते हैं हम आपको, देखें। यहाँ पर ये बता दें आपको, अल जज़ीरा के पत्रकार को गिरफ्तार कर लिया गया है, जो वहाँ से लाइव फुटेज लाइव खबरें दिखा रहे थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया। ये वीडियो थोड़ा वायलेंट है, यहाँ पر हम थोड़ा सा आगे نحن. الاحتلال يرتكب مجزرة في مدينة غزة، استهداف عدة بنيان على رؤوس سكنها في هذه المنطقة. यहाँ आप जख्मियों को देख सकते हैं, इनको निकाला जा रहा है और ये काफ़ी लोगों की यहाँ पर मौतें हुई हैं। अभी तक सही तादाद की जानकारी नहीं आई है। और दिखाते हैं आपको, यहाँ हम आपको अलशिफा हॉस्पिटल पर हुए हमले के लाइव वीडियो आपको दिखाना जा रहे हैं। देखें आप और आवाज़ सुने गोलाबारी की, जो टैंकों से फायर किए जा रहे हैं, आवाज़ सुनिए आप। अलशिफा हॉस्पिटल पर इसराइल ने 40 से ज़्यादा हमले किए हैं और इन हमलों में अभी तक जो हलाकतें हुई हैं उनकी सही जानकारी किसी तरह की हासिल नहीं हो रही है। ये जब हम वीडियो कर रहे हैं उससे तकरीबन 10 घंटे पहले की फुटेज हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं। बता दें कि जिस वक्त इसराइल की तरफ से हमले किए जा रहे थे, हमास की तरफ से भी डट के मुकाबला यहाँ पर किया गया, लेकिन चूंकि इसराइल को एज हासिल है कि वो एयर स्ट्राइक भी करता है साथ में, ऐसे में काफ़ी नुकसान तो फलस्तीन के हुए। अब जो लोग अस्पताल में थे उनको रात को ही निकलने के लिए कह दिया गया था, वो अंधेरे में वहाँ से अपनी जान बचा करके इधर उधर हुए। जंग के शुरू होने से पहले इसराइल फलस्तीन के अंदर 36 अस्पताल थे गाजा पट्टी के अंदर, जिसमें से सभी लगभग तहस नहस हो चुके हैं, तबाह हो चुके हैं और सिर्फ चार अस्पतालों में इस वक्त कुछ सहूलतें हैं, जहां प्राइमरी जो एड होती है लोगों को दी जाती है, ऑपरेशन वगैरह और ये या बड़ा कोई सीजर वगैरह करना है तो उसके लिए कोई किसी तरह का काम व मशीनरी वगैरह बाकी नहीं बची हैं। डॉक्टर्स अपनी जान पर खेल करके लोगों की जान बचाने की कोशिशें कर रहे हैं।
यहाँ पर आप देखें ये एरियल व्यू है जो अलशफा हॉस्पिटल पर हमले किए गए उनका। बता दें कि जंग के दौरान भी अभी बातचीत चल रही है आपस में सुलह के लिए या सीज़ फायर के लिए, और कतर की राजधानी दोहा में एक बार फिर से जो भी फरीक हैं सब बैठे हैं। इस वक्त हमास का डेलीगेशन दोहा पहुंचा हुआ है, इसराइल के मोसाद का डेलीगेशन पहुंच चुका है कल, और बाकी जो मुल्क हैं यूरोपियन यूनियन की तरफ से पहुंचे हुए लोग अमेरिका की तरफ से आ चुके हैं और अरब के मुल्कों की तरफ से जो भी पार्टीज हैं वो सभी यहाँ पर पहुँच चुके हैं दोहा में, और नए सिरे से बातचीत फिर से शुरू हुई है। और जो कैदी हैं एक दूसरे के पास, जो हमास के पास मौजूद हैं इसराइल के लोग और इसराइल की जेलों में बने फलस्तीन के लोग, उनकी रिहाई के लिए फार्मूला तय हो चुका है। एक के बदले में 10 छोड़े जाएंगे, एक इसराइल का बंधक छोड़ा जाएगा तो उसके बदले में इसराइल 10 फलस्तीनी लोगों को रिहा करेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा था कि रफा हमारी रेड लाइन है और रफा पे हमले नहीं होने चाहिए, तो रफा के अंदर भी इसराइल ने हमले किए हैं। इसराइल ने ये भी कहा है कि अगर हम कत्लेआम कर रहे हैं तो इस कत्लेआम में अमेरिका हमारा साथी है, साझेदार है, और ये जो भी हम कर रहे हैं वो उसमें अमेरिका हमारा बराबर का हिस्सेदार है। इस तरह का बयान इसराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू की तरफ से सोशल मीडिया पर जारी किए मौजूद है। हालात किसी भी तरह से 164 दिन की जंग के बाद भी अभी वहाँ पर ठीक नहीं है। इसराइल ने तबाही बहुत की है, अब तक सरकारी जो आंकड़े जारी हो रहे हैं उसके मुताबिक 32,000 लोगों की शहादतें, फ़लस्तीन के लोगों की शहादतें इस जंग में हो चुकी हैं, और बहुत बड़ी तादाद इन शहीद होने वालों में बच्चों और औरतों की है। 1,00,000 से ज़्यादा लोग ज़ख्मी हुए। खाने पीने के खुराक का जो सामान है वो पहुंचना शुरू हुआ है समंदर के रास्ते, मेडिटेरियन सी से कुछ रसद पहुंची है फिलहाल, और वो नाकाफ़ी है, फिर भी जितना सामान पहुंचना चाहिए। सामान बहुत मुल्कों ने भेजा हुआ है वहाँ पर, लोगों मुल्कों के भेजे हुए सामान की बड़े बड़े ट्रक्स खड़े हुए हैं, टैंकर्स खड़े हुए हैं लेकर के, लेकिन इसराइल उनको दाखिल नहीं होने दे रहा है। कुछ सामान 2 दिन पहले समंदर के रास्ते पहुंचा था। जंग अभी अपने बिल्कुल शिद्दत के साथ जैसी शुरू हुई थी उसी तरीके से चल रही है। हालात क्या होंगे आगे, अभी जब तक कुछ समझौते माहदे नहीं तय हो जाते हैं और उनका अनाउंसमेंट नहीं हो जाता, चूँकि माहदे तय हो चुके थे, पेरिस में माहदा हो चुका था, सब रिटिन जो भी काम था सब हो चुका था, उसके बाद काहिरा में तमाम चीज़ें डिस्कस हो गई थी और इसराइल ने फिर एन वक्त पर वहाँ से अपने आप को एवेक्यूट बाहर निकाल लिया था। बाद में हमास के लोग भी बातचीत को बीच में छोड़ करके चले आए थे। अब किसे कतर ने थोड़ा सख्ती बरती है हमास के ऊपर भी, और एक तरह से उन्होंने वार्निंग दी है हमास को कि थोड़ा लचीला रुख अख्तियार करें और वरना आप जाने आपका काम जाने। और जो लोग भी हमास के हमारे यहाँ पर ठहरे हुए हैं कतर के अंदर, हम उन्हें भी निकाल देंगे। तो उसके बाद फिर ये 2 दिन पहले बातचीत शुरू हुई है और इस बार उम्मीद है कि कुछ पॉजिटिव होगा, चूँकि चीन की एंट्री अब हो चुकी है ऑफिशियली। चीन के तरफ से एनवाई अपॉइंट कर दिया गया है जो फलस्तीन की जंग को रोकने के लिए, सीज फायर कराने के लिए वहाँ पर इसराइल और फलस्तीन के लोगों से, फलस्तीन के जो ग्रुप्स हैं उनसे मिल करके बातचीत करके तमाम चीज़ों को हल करेंगे। बता दें कि चाइना का इसराइल के ऊपर भी बहुत प्रेशर रहता है और चीन के पास इसराइल के कई सारे पोर्ट हैं, बहुत सारा काम इसराइल के अंदर चीन अपना कर रहा है, तो इसराइल की नज़दीकियां चीन के साथ हैं और चीन का रसूख बहुत है। यूक्रेन की जंग में भी चीन पार्टिसिपेट कर रहा है और जो वहाँ पर बातें चल रही हैं यूक्रेन के साथ जंग बंदी को लेकर के, उसमें भी चाइना इस वक्त रोल अदा कर रहा है। तो चाइना इस वक्त डिसीजन मेकिंग पावर बना हुआ है, अमेरिका के हाथ से चीज़ें निकल चुकी हैं। अब जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर बन कर के सामने आ रहा है उसमें चीन एक बहुत बड़ी ताकत बन के दुनिया के सामने मौजूद है। तो चीन
की मौजूदगी इस वक्त फ़लस्तीन के पीस प्रोसेस में हो चुकी है और ये पीस प्रोसेस हमें उम्मीद है जैसा खबरें हासिल हो रही हैं कि ये चंद दिनों के अंदर कुछ ऐलानात हो जाएंगे। तो आज की जो बड़ी खबर थी वो ये थी कि अलशफा हॉस्पिटल के ऊपर गाज़ा के अंदर इसराइल ने बहुत बड़े हमले किए हैं जिनकी फुटेज हम आपको दिखा रहे हैं। ये जो फुटेज चल रही है ये एरियल व्यूज हैं और ये लाइव फुटेज हैं जो हासिल हुई है वहाँ से। शुक्रिया आप सभी का।